पूसा संस्थान ने बेबी कॉर्न के एक शंकर प्रजाति विकसित किए हैं जिसका नाम है ABSH4-1। ये एक मेल स्टेराइल बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न में जो पुरुष फूल ऊपर होता है उसका परागकण जब बेबी कॉर्न का सिल्क में गिरता है तो दाना बनना शुरू हो जाता है, जिसके चलते बेबी कॉर्न का क्वालिटी खराब हो जाता है। लेकिन ये जो मेल स्टेराइल बेबी कॉर्न हमने बनाया है इसमें पराग की तैयारी नहीं होता है, इसके चलते डी टसलिंग यानी कि पुरुष फूल निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी ज़रूरत नहीं होता है, और उसके चलते करीब 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति हेक्टर की बचत होती है। इस बेबी कॉर्न के बीज दर करीब 30 kg प्रति हेक्टर है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखा जाता है। बेबी कॉर्न तैयार होने में करीब 50 से 60 दिन लग जाता है और एक अच्छा फसल से करीब 21 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर बेबी कॉर्न और करीब 25 से 30 टन हरा चारा मिल सकता है। स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न में जो अधिक समस्या है वो है फॉल आर्मी वॉर्म के। फॉल आर्मी वॉर्म एक कीड़ा है जो कि ऊपर पत्ते को काट देता है जिसके चलते वो बढ़ नहीं पाता है। तो फॉल आर्मी वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इसका जो बीज है इसको 4 tons/day करके केमिकल आता है जो 6 ml प्रति kg बीज में मिलाया जाता है, जिसके चलते उगाई के करीब 15 से 20 दिन तक फॉल आर्मी वॉर्म से इसका प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाद में कोराजेन या डेलीगेट दोनों में से कोई भी केमिकल करीब 0.4 ml या 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव किया जाता है, जिसके चलते फॉल आर्मी वॉर्म का काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है।